दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, होम थिएटर हो या फिर कोई हेडफोन, सभी में स्पीकर का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन स्पीकर्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों स्पीकर्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसके मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले मेटल कटर द्वारा आयरन की दो गोलाकार शीटों को काटा जाता है, जिनकी साइज लगभग 13 मिलीमीटर की होती है, जिन्हें ब्लेंडर मशीनों द्वारा घिस घिस कर चिकना भी बना लिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इन प्लेटों को आपस में फिट होने वाला शेप देकर इन्हें फोम फिल्टर के साथ अच्छी तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद प्लास्टिक बास्केट को इन आयरन प्लेटों के साथ ग्लू की हेल्प से अच्छी तरीके से चिपका दिया जाता है। इस प्लास्टिक बास्केट को मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें गर्म पानी से धोने के बाद यूज किया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को पूर्ण तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस स्पीकर के स्ट्रक्चर को मैग्नेटाइज प्रोसेस द्वारा हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करके इसे चुंबकत्व गुण प्रदान कर दिया जाता है, जिससे यह स्ट्रक्चर एक चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाने लगता है। इस प्रोसेस के बाद अब इस स्पीकर में तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई वॉइस कॉइल को फिट किया जाता है, जिसमें से करंट को सप्लाई करने पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। इस वॉइस कॉइल को फिट करने के बाद इसमें फ्लेक्सिबल फाइबर रिंग को भी फिट किया जाता है, जो कि मैग्नेट और वॉइस कॉइल के बीच सामंजस्य को बैठाए रखती है। अगली प्रोसेसिंग में इस स्पीकर्स के पर्दे यानी कोन को बनाया जाता है। जनरली इन पर्दों को फाइब्रिक की पतली शीटों से तैयार किया जाता है, जिन पर वर्कर्स द्वारा हाथों से ही डिजाइन और कलर को असेंबल किया जाता है। कोन के बन जाने के बाद इसे ग्लू की हेल्प से स्पीकर के स्ट्रक्चरल पार्ट से जॉइंट कर दिया जाता है। साथ ही वॉइस कॉइल को डस्ट से बचाने के लिए इस पर डस्ट केक को भी लगाया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इस स्पीकर की वायरिंग की जाती है, तथा ट्रांसमीटर मशीन की हेल्प से और इक्वेस्टिक रूमों में इस स्पीकर की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर ध्वनि की जांच की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन स्पीकर को पैक करके सेलिंग के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं स्पीकर। सन 1876 में सबसे पहले माइक्रोफोन का निर्माण किया गया था, जिसका यूज सबसे पहले टेलीफोन पर बात करने के लिए किया जाता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आज बनने लगे हैं कंडेंसर माइक्रोफोन, जो कि छोटी से छोटी आवाज़ को भी कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में कंडेंसर माइक को कैसे बनाया जाता है। तो यारो, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ब्रॉडकास्ट माइक्रोफोन बनाने के लिए सबसे पहले सेफ्टी कवर को बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए मेटल की जालियों को एक प्रेस मशीन में डालकर इस कवर फिल्टर को बना दिया जाता है। यह कवर मेटल की 3 शीटों से बना होता है। इस प्रोसेस के बाद एक ब्रास यानी गोल रिंग में इस कवर को शोल्डर पेस्ट लगाकर मजबूती से चिपका दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद एक मैकेनिक द्वारा हाई क्वालिटी माइक्रोफोन चिप को अपने हाथ से असेंबल किया जाता है। जो इसे एक प्लास्टिक ब्रैकेट पर रखकर इसे सही तरीके से अटैच कर देता है। इसके बाद इसके वायर को एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से जोड़ दिया जाता है। इसमें स्विच को भी असेंबल किया जाता है।
अब इस माइक्रोफोन को कन्वेव लेयर वाले कवर में फिट कर दिया जाता है। अब इस माइक्रोफोन को मेटल और स्क्रू कैप से पूरा ढक दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद यह माइक ऑडियो चेकिंग के लिए तैयार होता है, जिसे एक स्पेशल एनकोइक चैम्बर में भेजा जाता है, जो इसकी अच्छी तरीके से ऑडियो फ्रिक्वेंसी की जांच करता है। जब यह माइक सभी प्रकार के टेस्टिंग से पास हो जाता है तो इसे पैक कर शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से फैक्ट्री में बनाया जाता है कंडेंसर माइक। ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले लकड़ी के गत्तों को छोटे छोटे पार्ट्स में काटा जाता है, फिर हाथों से इनके राउंड वाले पार्ट के किनारों को फिनिशिंग दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद ये पार्ट्स सभी तैयार हो जाते हैं और इन पार्ट्स के तैयार हो जाने के बाद इनमें होल किए जाते हैं। होल हो जाने के बाद इन पार्ट्स को ग्लू से चिपकाया जाता है। ग्लू से चिपकाने के बाद इन पर हाथों से डस्ट को हटाया जाता है और साथ ही यहाँ पर ग्लेंडर मशीन द्वारा फिनिशिंग दी जा रही है। इन पर फेविकोल को लगाकर सुखाने के लिए रख दिया जाता है ताकि यह और भी मजबूत हो जाए। इस प्रोसेस के बाद इन पर ब्लैक कलर की पेंटिंग की जाती है, जिससे वूफर और भी लुकेबल लगे। कलर पेंटिंग के बाद में वूफर बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब इन वूफर के बॉक्स पर वैक्यूम मशीन द्वारा डस्ट कणों को हटाया जाता है, फिर इन बॉक्स पर कपड़े को चढ़ाकर टेप से चिपका दिया जाता है और ऊपर से ग्लू को लगा दिया जाता है। अब इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स को जोड़ा जाता है। इन पार्ट्स के जुड़ जाने के बाद इन पर स्क्रूइंग की जाती है। स्क्रूइंग हो जाने के बाद इनकी वॉल्यूम की टेस्टिंग की जाती है और स्पीकर के पास फ्रिक्वेंसी चेक करने वाली मशीन को लगा दिया जाता है, जिससे पता चल सके कि वूफर कितनी फ्रिक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। अब स्पीकर सही पाए जाने पर इसे वूफर बेक्स में फिट किया जाता है और साथ ही स्क्रूइंग कर दी जाती है, जिससे स्पीकर हिल ना पाए। अब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से चेकिंग करके वूफर को कपड़े से साफ कर मार्केट में सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, फाइनली इस तरफ फैक्ट्री में बनाए जाते हैं वूफर। तो चलिए अब देखते हैं होम थिएटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम में सबसे पहले इम्पोर्टेंस होता है होम थिएटर का, जिसको लकड़ी से बनाया जाता है। लकड़ी के बने इस बेसिक पार्ट्स को मॉडल के हिसाब से तैयार किया जाता है। इन होम थिएटर बॉक्स को अब असेंबलिंग के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले इस बॉक्स में केबल को जोड़ा जाता है, जिससे सभी पार्ट्स तक बिजली पहुंच सके। इस प्रोसेस के बाद एफएम रेडियो के लिए इसमें एंटेना को जोड़ा जाता है। इसके बाद 20 वोल्ट के स्पीकर को इस बॉक्स में जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसमें ट्रांसफार्मर को जोड़ने की प्रोसेस की जाती है। दूसरी तरफ बैक प्लेट पैनल को जोड़ा जाता है, इसमें 6 कनेक्शन होते हैं। इस पूरे प्रोसेस के बाद इसमें पीसीबी को अटैच किया जाता है और इसी के साथ सभी वायर की असेंबलिंग की जाती है। असेंबलिंग हो जाने के बाद बैक प्लेट पैनल को होम थिएटर बॉक्स के पीछे जोड़ा जाता है और साथ ही स्क्रू से इसे कस दिया जाता है। अब बेस और भी अच्छा मिले इसके लिए होम थिएटर के साइड में वेंट पाइप को फिट किया जाता है। इस प्रोसेसिंग के बाद होम थिएटर के फ्रंट वाले पार्ट को जोड़ा जाता है, जिसमें बेस व वॉल्यूम कंट्रोल्स पैनल्स जुड़े होते हैं। अब फ्रंट पार्ट की प्लेट को पीसीबी से कनेक्ट करके ग्लू लगाकर इसे अच्छी तरीके से अटैच कर लिया जाता है। तो दोस्तों, होम थिएटर इस तरफ फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, स्पीकर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्पीकर के खोखले वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है, फिर इन्हें पानी से धोया जाता है। पानी से धो लेने के बाद दे वाले पार्ट्स को तैयार कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद अब तांबे के तार की राउंड शेप में कॉइलिंग की जाती है। अब इन पर्दे वाले पार्ट्स को इस तांबे की कॉइलिंग पर जोड़ दिया जाता है, फिर मैग्नेटिक वाले पार्ट्स पर ग्लू को लगाकर इसे भी साथ में अटैच कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसके मेन पार्ट्स को जोड़कर साथ ही स्क्रूइंग कर ले जाती हैं,
फिर इन स्पीकर की चेकिंग करके इन्हें होम थिएटर के साथ पैकेजिंग करके मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं होम थिएटर और वूफर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर।